हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर रखा गया है। तमाम बड़े राजनेता उनके अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रखा गया है। यहां दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने लोगों की कतारें लगी है। करिश्माई नेता के अंतिम दर्शन कर लोगों की आंखें नम हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व कांग्रेस राहुल गांधी भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रिज मैदान वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों से गूंज रहा है। वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी रखा गया। इसके बाद पार्थिव शरीर पूर्व मुख्यमंत्री के पैतृक निवास रामपुर बुशहर ले जाया जाएगा, जहां कल शनिवार को 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। उस वक्त कहां थे हम, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदेश, जहां तुम चले गए।